पब्लिक लाइव न्यूज से मैं वैभव त्रिपाठी जिला संवाददाता प्रतापगढ़। आज जिला प्रतापगढ़ में प्रबुद्ध सम्मेलन के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन आए हुए हैं। इस कार्यक्रम में जहां पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। के दौर में अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, ये सब पूरा इलाका, यहाँ से बड़े बड़े नेता हुए लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। और जो काम हो रहा है वो हमारी सरकार में हो रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 9 साल वो ऐसे 9 साल हैं कि जिन लोगों को अकल आई है, चाहे वो किसी भी दल में हो, उनको लग रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। इस इलाके में जीवन को संवार कर दिखाया, और योगी जी भी जब से मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश में अमन चैन है, किसी को कोई दुश्वारी नहीं। जो कानून कायदे पर चलेगा, चाहे वो किसी जाति का हो या किसी धर्म का हो, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कानून कायदे पे नहीं चलेगा, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसको दिक्कत आने वाली। कानून का राज स्थापित हुआ है। हम लोग भी बिहार में जब भी कुछ होता है तो हम लोग कहते हैं कि योगी जी जैसा करके दिखाओ, योगी मॉडल पर। ये सही है कि नीतीश कुमार थोड़ा साथ पुष्ट भाग जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं योगी जी के नाम से ही। मोदी जी के नाम पर तो विपक्षी गठबंधन वो कर रहे हैं, वो भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हमारा पड़ोस का राज्य है उत्तर प्रदेश, और यहाँ की तरक्की देखकर, कल मैं प्रयागराज में देखकर आया हूँ, आज प्रतापगढ़ में देखिए, वो जो धूल दिख रही है वो फूल वालों ने ही धूल उड़ाई, उससे पहले किसी ने यहाँ धूल नहीं उड़ाई। हम लोगों ने काम करके दिखाया है, और जनता का विश्वास है आने वाले लोकसभा के चुनाव में मिशन है कि उत्तर प्रदेश की सारी सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए। और अब तो हर सीट पर कंपटीशन है कि मेरी सीट भी मोदी जी को, मेरी सीट भी मोदी जी को, इस तरह का माहौल बन गया। सर, आज अरविंद केजरीवाल और अखिलेश जी के बीच मुलाकात होने वाली है, और तमाम सारे जो विपक्षी दल के नेता, मेरी और आपकी जो मुलाकात हो रही है, ये भी तो है, ये कहाँ चर्चा में। तो मुलाकात तो होती रहती है, जैसे मैं यहाँ आया हूँ तो मेरी भी मुलाकात हो रही है, अब ये मेरी भी फोटो खींच रही है, मेरा भी बयान हो रहा है, उसी तरह दोनों की अच्छी फोटो हो जाएगी। अभी नीतीश कुमार जी जब आए थे तो बड़ी गठबंधन की बात हुई थी, क्या हुआ, कांग्रेस ने ही धोखा दे दिया नीतीश कुमार जी। खड़गे जी को और राहुल गांधी नहीं जा रहे थे, बोले हम रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, क्योंकि वो अपने बराबर का नीतीश कुमार को नहीं मानते। तो आप ये देखिए कि 12 तारीख को जो बैठक होने वाली थी पटना में, वो ढह गई ना। मैं, आप जानते हैं, सिंगला कंपनी जो पुल बना रही थी मेरे भागलपुर में ही, वो पहले आंधी आई तो हवा में उड़ गया लोहा। कभी आपने देखा हो कि पिलर के ऊपर जो लोहा होता है, बहुत जगह लगा होगा, हावड़ा ब्रिज में लगा है, कहीं आंधी में उड़ा है आज तक। लेकिन देखिए बिहार में लोहा उड़ गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और वही कंपनी यहाँ भी बना रही है प्रयाग में। तो हमने अपने लोगों को अलर्ट किया है कि जरा ध्यान से देखिएगा, पाया पूरा डाल रहा है कि नहीं। अब कोई मीडिया कितना देखेगा, वो 40 मीटर 50 मीटर आप घुसकर तो नहीं देख सकते, बीच में ही पाया गायब कर देगा तो बैठ जाएगा पुल। तो बिहार में चलता हुआ पुल भी ढह गया, और विपक्षी एकता की जो कोशिश थी वो भी 12 जून को जो होने वाली थी वो ढह गई। उससे क्या होगा, फोटो तो अखिलेश यादव जी हर बार नए नए आदमी से खिंचवाते हैं, कई बार अपने साइकिल पर राहुल गांधी को बैठा लेते हैं, फिर चुनाव के बाद उतार देते हैं, फिर बहन जी को बैठा लेते हैं, और हाथी के पैर में उनका रिंग दब जाता है साइकिल का, अब उनको भी नहीं बैठा रहे, तो इस बार अरविंद केजरीवाल को बुला रहे हैं। अगली बार जब 24 के बाद स्टालिन बुला लेंगे, फिर उसके बाद KCR बुला लेंगे,
तो अखिलेश यादव जी की खबरें भी नहीं चल रही, कुछ करते भी नहीं है, ज्यादातर घर में रहते हैं और उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, शुरू से ज्यादा मेहनत की आदत नहीं है। खुद सपा के लोग भी कहते हैं कि वो चुनाव में ही एक्टिव होते हैं और आप जानते हैं कि बहुत बड़े बैकग्राउंड से समाजवादी परिवार कहा जाता है, वो तो मुलायम सिंह जी के परिवार से हैं, तो आराम की आदत है लेकिन चुनाव में खूब मेहनत करते हैं। सर एक सवाल और है, मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बताया कि आरएसएस ने एक सर्वे कराया और सर्वे में जो है बीजेपी वहां हार रही। सवाल ये है कि आरएसएस का सर्वे कांग्रेस को कैसे पता चल गया? क्या आप लोग कांग्रेसियों को पूछिए कि संघ की शाखा में जा रहे हैं क्या आजकल, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं? राहुल गांधी जाकर अमेरिका में बोल रहे हैं कि यहाँ माइनॉरिटी के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, 80 के दशक में जिस तरह दलितों की हालत की जाती थी वैसी मुस्लिम की जा रही, तो 80 में भूल जाते हैं राहुल गांधी कि 80 में प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा जी, राजीव जी, यही दौर था, और 80s की बात कर रहे हैं जिसका मतलब कबूलनामा है कि दलित समाज के लिए। अच्छा 24 में अब तो देखिए हमें उम्मीद है कि 34 तक तो कोई चांस ऐसे नहीं है गठबंधन का भी, क्योंकि महत्वाकांक्षी लोगों का कहीं जीत कितनी की जीत कितनी प्रचंड होने वाली है। अब की बार 400 के पार, अगर फिर एक बार मोदी सरकार। अगर बात करते हैं यूपी की, तो यूपी में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि कितने सीटें निकाल सकते हैं? मैंने कहा ना कोई ऐसी सीट बता दीजिए जो हम जीतने की संभावना नहीं, इतना बढ़िया काम हो रहा है, कानून का राज है, गुंडे या तो आसमान में है या जमीन के नीचे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर कोई माफिया नहीं, कहीं कोई बदमाशी नहीं, तो इतना अच्छा राज और इतना अच्छा प्रधानमंत्री, इतने अच्छे मुख्यमंत्री मिले, यूपी की कौन लोकसभा सीट है जो चाहेगी कि मोदी योगी के विरोध में जाना है? ऐसी कोई सीट लगती है आपको? अगर आपको लगती है तो हमें बताइए, हम वहां जाके काम करते हैं।